सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेमा दिल से। मैं सचिन कुमार और आज बात करेंगे रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर की मूवी जो रिलीज हुई है तू झूठी मैं मक्कार की। तो इसे डायरेक्ट किया है लव रंजन ने, जिन्होंने पहले सोनू की टुट्टी जैसी मूवी बनाई थी एंड प्यार का पंचनामा ऐसी मूवी बनाई थी। तो जैसा उनके मूवी का नाम रहता है, मूवी के अंदर कुछ कहानी भी कुछ अलग सी देखने को मिलती है। और यहाँ पे रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर पहली बार कास्ट हुए हैं और फ्रेश कहानी है, तो देखते हैं कितना मजा आया मूवी को देखने में। एंड मूवी की बात करने से पहले मैं इसके गानों की बात करता हूँ कि गाने इसके सुपर हिट रहे हैं, तो वो मूवी के अंदर में बहुत मजा आया उन सॉन्ग्स वगैरह को देख के। एंड ठुमका सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे अरिजीत सिंह और प्रीतम का म्यूजिक और सॉन्ग्स बहुत अच्छा लगा। एंड जो मूवी का क्लाइमैक्स है 15 मिनट का, वो क्लाइमैक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मूवी के अंदर। मतलब इतना अच्छा क्लाइमैक्स बनाया है, इमोशनल है, उसमें आपको हंसी भी आएगी, तो बहुत अच्छा क्लाइमैक्स बनाया है मूवी का, जो कि मुझे काफी हद तक पसंद आया इसका क्लाइमैक्स। अब मूवी की बात करूं तो मूवी की स्टोरी कुछ अलग टाइप की है। एंड जैसी इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है तो पहले हाफ में वो फन थोड़ा मिस है, बस एक केमिस्ट्री चलती है मूवी की रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की, कैसे मिलते हैं एंड क्या क्या होता है, तो वही सब है। एंड पहले हाफ को सॉन्ग्स ने कुछ बचा लिया था, तो पहला हाफ थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बट जो इसका सेकंड हाफ है वो पलट जाता है बिल्कुल एकदम। तो इंटरवल के बाद सेकंड हाफ बहुत ही मजा आता है एंड बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है, तो एकदम इंटरव्यू के बाद वो सारी चीजें पलट जाती है एंड बहुत एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है कहानी में। एंड प्लस श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी नजर आती है मूवी के अंदर। हाँ, कहीं कहीं डायलॉग्स बहुत ओवर हो जाते हैं, वो जैसे कार्तिक आर्यन को वो लंबा सा डायलॉग दिया था, कुछ उस टाइप के डायलॉग्स बहुत सारे हैं, तो वो बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, बट इतना फन देखने को नहीं मिलता। एंड इसमें म्यूजिक तो अच्छा है ही है, साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दिखी, जहां रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनका तो मतलब एक लेवल ही अलग चला गया एक्टिंग के मामले में। श्रद्धा कपूर का भी परफॉर्मेंस यहाँ बहुत अच्छा है, साथ साथ यहाँ पे बसी का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब वो कॉमेडी में भी थे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डिम्पल कबाड़िया भी है, उनका भी काम बहुत ज्यादा अच्छा है। बोनी कपूर है, उनका भी रोल बहुत अच्छा लगा मुझे, और एक मूवी के अंदर एक छोटी सी बच्ची है तो उनका भी काम मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो परफॉर्मेंस सबकी अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी है, तो थोड़ी लंबी चली जाती है, बट आपको इंटरवल के पहले, जैसे मैंने बता दिया, इंटरवल के पहले थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट इंटरवल के बाद ट्विस्ट एंड एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाएगा आपको। एंड इसकी स्टोरी बहुत अच्छी चलती है, अलग चलती है, और जो क्लाइमैक्स में जो सीन है वो क्लाइमैक्स पूरी मूवी को खा जाती है। तो क्लाइमैक्स का सीन बहुत जबरदस्त लगा मेरे को, क्लाइमैक्स में जो डायलॉग्स हैं रणबीर कपूर के, जो एक के बाद एक पंच रखते जाते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड बहुत टाइम बाद एक थोड़ा फैमिली ड्रामा बेस पे मूवी आई है, एंड ये मूवी एक मैसेज भी देती है, तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। एंड इस वीक कुछ नया देखने को मिला, एक फ्रेश कास्टिंग देखने को मिली, रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एंड आप देख सकते हो जाके। एंड मास मसाला मूवी देख के आप थोड़े से परेशान हो गए हो तो जाइए इस वीक कुछ नया देखिए, एंड लव स्टोरी है और बहुत सारे एंगल है मूवी के अंदर, ट्विस्ट है एंड फैमिली ड्रामा है, तो आपको बहुत मजा आएगा मूवी के अंदर। एंड अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एंड ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल सिनेमा दिल से। ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।